समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः तुल्य निंदा स्तुति ही निंदा च स्तुति च निंदा स्तुति ते तुल्य यस्य सह तुल्य निंदा स्तुति मौनी मौनवान संयत वाक संतुष्टो येन केनचित शरीर स्थिति मात्रेण तथा च उक्तम येन केनचिन्नानु येन केनचिताशितः यत्र क्वचन यत्र क्वचन शायी स्याताम दैवाम ब्राह्मणाम विदुः किंच महानिकेतो निकेतः आश्रयो निवासः नियतो न विद्यते यस्य सह अनिकेतः अनागारः इत्यादि स्मृत्यंतराद् स्थिरमतिः स्थिरा परमार्थ वस्तु विषयमतिः यस्य सह स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरः अद्वैष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्त सर्वैषणानां सन्यासिनां परमार्थ ज्ञान निष्ठानां धर्मजातं प्रकांतं उपसंग्रहयते ये तु सन्यासिनः धर्म्यामृतं धर्मात् अनपीतं धर्म्यं च तद् अमृतत्व हेतुत्वात् इदं यतोक्तम् अद्वैष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना परिउपासते अनुतिष्ठन्ति श्रद्धधानाः संताः मत्परमाः यतोक्ताः अहम् अक्षरात्मा परमो निरतिशया गतिः येषां ते मत्परमाः मद्भक्ताः च उत्तम परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिमाश्रिताः ते अतीव मे प्रियाः प्रियुः ज्ञानिनोत्यर्थम् इति यत् सूचितं तद्व्याख्या इहि उपसंग्रहते भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः यस्मान् धर्म्यामृतमिदं यथं यथोक्तम् अनुतिष्ठन् भगवतोः विष्णु परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियः भवति तस्मान् इदं धर्म्यामृतं मुमुक्षुणां यत्नतः अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियपरं धाम जिगमिषूणाम् इति वाक्यार्थः इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः कल ये चर्चा उठी थी व्यक्ति का जो जीवन है वह तीन जगह स्थित है सबसे बाह्य रूप से जो उसकी स्थिति है उसको कहा गया परिस्थिति परिस्थिति का जो प्रभाव है वह पड़ा मनस्थिति पर और जैसी उसकी मन की स्थिति रही ऐसी ही उसकी स्वस्थिति बन गई वही उसकी एक्चुअल स्थिति है
जो उसकी मन की स्थिति है, जो मन की स्थिति है वह निर्भर करती है कि उसकी परिस्थिति की स्थिति कैसी है। तो यह तीनों एक क्रम में हो गए, परिस्थिति, मनस्थिति और स्वस्थिति। जैसा परिस्थिति का विषय है, जैसी परिस्थिति है, चित्त वृत्ति वैसी ही बनती है जैसी व्यक्ति की परिस्थिति है। इस बात से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। परिस्थिति का प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है। मन का मतलब है चित्त वृत्ति। वृत्ति ही वैसी ही उठती है जैसी परिस्थिति है। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकी, कल मैं कह रहा था वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः पहला सूत्र था। योग चित्त वृत्तियों का निरुद्ध करना है। लेकिन दूसरी बात थी तदा दृष्टु स्वरूपे अनुसंधानम। या तो वह चित्त वृत्ति के जरिए से, कैसी चित्त वृत्ति, निरुद्ध करके, ये भी एक प्रणाली थी। चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करके क्या करे, बोले स्वरूपे अनुसंधानम, अपने स्वरूप में क्या हो जाए, स्थित हो जाए। अच्छा, ना हुआ तो चित्त वृत्तियों के जरिए से वह अपने स्वरूप में स्थित ना हुआ तो, बोले तब वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जैसी वृत्ति होगी वैसी ही स्वरूप, जैसा ही वृत्ति है वैसा ही वो हो जाएगा। वृत्ति सारूप्यम, जैसा वृत्ति है वैसे ही व्यक्ति की स्थिति हो जाएगी। अब परिस्थिति हट गई, देखो यहां, जैसी व्यक्ति की वृत्ति वैसी उसकी स्थिति। अगर वह निरुद्ध करके स्वरूप में स्थित नहीं हुआ तो फिर दूसरा हश्र यही है। अब चर्चा मेरी आपसे ये चल रही थी, कल भी इन बातों पे हुई, यो न ऋष्यति न द्विष्टि। कल भी मैं कह रहा था ऋष्यति या द्विष्टि आता नहीं, ऐसा नहीं है। कल भाष्य में आपने देखा बार बार, यो न हृष्यति इष्ट प्राप्तो, यो न द्विष्टि अनिष्ट प्राप्तो। मतलब प्राप्तो तो दोनों में है, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति तो दोनों में ही है। इसका मतलब परिस्थितियों के स्तर पर चाहे भक्त हो, चाहे जीवन मुक्त हो, चाहे साधक हो, चाहे अज्ञानी हो, कोई असर नहीं पड़ता, सबके लिए एक जैसा है। प्राप्तों मतलब आपकी इच्छा से, आपकी अनिच्छा से कुछ नहीं चलता, प्राप्ति तो होगी। किसकी प्राप्ति होगी, बोले इष्ट की होगी, अनिष्ट की होगी, द्वेष की होगी, शोक की होगी, आकांक्षा की होगी। देखो जी, ये पूरी पंक्ति यही आ गई, यही नहीं शुभा शुभ, ये नहीं कर सकते कि ये नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कल, ये दिमाग से ये वृत्ति व्यक्ति हटा दे कि ये नहीं आएगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि ये वृत्ति, ये परिस्थिति ही नहीं आएगी, तो फिर आ जाने पर बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानी और भक्त के साथ आप देख रहे हो, इष्ट प्राप्त हो अनिष्ट प्राप्त हो। अब क्या हुआ, परिस्थिति के बल पर प्रभाव जीरो है, ठीक है, नेट रिजल्ट क्या आया, जीरो। अब आ जाएं वृत्ति के स्तर पर क्या हाल है, यह है एरिया देखें, वृत्ति के स्तर पर क्या हाल होगा। परिस्थिति तो आ गई,
वृत्ति के स्तर पर क्या हाल होगा? आप ये भी देख लेना, इसीलिए 18वां, ये कहीं जीवन मुक्त का लक्षण नहीं है कि उसको शत्रु और मित्र में सब समता रहती है। ये कहने के लिए पंक्ति है। आप श्लोक देखो कैसे कंट्रास्ट है। जब वह सम ही है, यदि वो सम है तो फिर शत्रु कैसे कह दिया? यदि वो सम है तो मित्र कहां से हो गया? सावधानी से, नहीं वो उसकी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, ध्यान रखना। एक बात को सदैव गांठ बांधना चाहिए, अध्यात्म मतलब स्वयं की दृष्टि, पर की दृष्टि में वो क्या माने, विद्वान माने, जीवन मुक्त माने, वो उसकी मर्जी। समह, अब समता किसके लिए होगी? स्वयं के लिए ना, दूसरे के लिए तो नहीं कह सकते आप। समता शब्द ही ये बता रहा है कि किसकी बात की जा रही, स्वयं की बात की जा रही। और यदि समता है तो फिर शत्रु और मित्र कैसे बोल दिया? पकड़ में आ रही बात क्या कहा जा रहा है? यदि वह समता है तो समता के बाद ना तो शत्रु रह जाता है ना तो मित्र रह जाता है। और यहां क्या बोलते, समा शत्रु च मित्रे च। अच्छा, मान अपमान नहीं होता क्या? मान, अब जब समी हो तो आपके लिए ना मान है ना तो आपके लिए, लेकिन मान भी है आप लोग और अपमान भी है, यही नहीं? और यही प्रायोगिक है, मैं आपसे बताऊं, यही प्रायोगिक है, वरना ढोंग है। आप बोलो कि बाबा जी को सर्दी नहीं लगती, शीत उष्ण, आप लोग कोई कैसे कह सकता है कि शरीर के प्रभाव नहीं पड़ेंगे? बड़ा अच्छा दृष्टांत ये दिया, एक व्यक्ति ने मिर्ची खाई, मतलब फैक्ट की ओर जाना, आडंबर और दिखावे की ओर मत जाना, जो सच है सो सच है। एक व्यक्ति ने मिर्ची खाई, ज्ञान पश्चात उसको बड़ा ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अध्यात्म में स्थिति हो गई। अब क्या वो मिर्ची देखेगा तो उसको मिठाई की स्मृति आएगी? मिर्ची देखने पर मिर्ची की ही स्मृति आएगी। मानव है ना भाई, है मनुष्य का शरीर है, यही हमने प्रजा ने जनता ने खूब उसको ऐसा बना दिया कि वो भगवान हो गया, तो फिर दोष आएगा। जितने संत हैं सबको इसलिए कहा जा रहा है, यदि मानव शरीर है और आपने मिर्ची खाई है तो दोबारा मिर्ची देखने पर वह जो मिर्ची के संस्कार हैं, वह संस्कार आपके चित्त पटल पर तुरंत आएंगे, क्योंकि आपकी स्मृति थोड़ी ना गायब हो गई। अब आप ज्ञानी हो गए तो आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ पैदा हुए, आपको क्या अच्छा लगता था क्या, ये तो फिर बेवकूफी है, ढोंग कर रहा है व्यक्ति। ज्ञान पश्चात भी व्यक्ति ने जो पूर्व की चीजें हैं, इष्ट हो अनिष्ट हो, मित्र हो शत्रु, वो रहेगी। अगर किसी ने उसको गाली दी, आज ज्ञानी हो गया, अब जब वो व्यक्ति आएगा तो आपको क्या लगता है, भगवान मानेगा उसको? ना कुछ तो होगा, वो तो मैं बाद में बात कर रहा हूं, लेकिन क्या वह उसके संस्कार उसके चित्त पटल पर नहीं आएंगे? किसी ने उसकी साधन काल में मदद की थी, ठीक है, आज वो व्यक्ति आ गया तो आपके चित्त पटल में क्या आएगी? हम तो सम हो गए हैं, तो बहुत अजीब सा व्यवहार है आपका, तो फिर जब आपको जरूरत थी तब तो सम नहीं थे उस समय, और आज आप ऊंचे हो गए तो आप सम हो गए। ये व्यवहार यदि जीवन मुक्त निभाएगा तो लोगों से कैसे जुड़ सकता है, सोचो आप। इसलिए
सिद्धांत को प्रायोगिक बनाना, और भगवान जो कह रहे हैं कुछ सोच के कहा होगा ना। यदि सम शब्द कह दिया तो सम शब्द के आगे न शत्रु है न मित्र, फिर तो सभी ब्रह्म है। शत्रु मित्र तो तभी हैं जब पूर्व जो पूर्व व्यवहार है उसकी स्मृति उसके चित्तपटल पर क्या हो गई, आ जाए, है ना। तो परिस्थिति के स्तर पर शून्य रिजल्ट है, चित्त के स्तर पर क्या रिजल्ट है, शून्य। कि चित्त के स्तर पर भी वह पुरानी चीजें उसके चित्त में जरूर आएंगी। जिसने गाली दिया है उसको देखकर उसको याद आएगा कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी, और जिसने माला पहनाई उसको देख के ये भी याद आता है इस व्यक्ति ने मेरा सम्मान भी, इसीलिए तो ये गुण आ रहा है। यदि ऐसी कोई समत, तो मतलब क्या बोला जाए, एक ड्रीमिंग स्टेट है जहां न मान है न अपमान है न शत्रु है न मित्र है, तो ये कपोल कल्पना है, ये जीवंत बात नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जीवंत मुक्त क्या बनेगा। और देखो साधक के साथ यही गड़बड़ हुआ, उसने ये पढ़कर क्या सोच लिया कि जब मैं ज्ञानी बन जाऊंगा तो मेरे जीवन में कोई शत्रु कोई मित्र शीत उष्ण तुल्य निंदा ये सब कुछ होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्या हो गया, और जहां समाज उसको रूप दिखाता है वो समाज के लिए थोड़ी ना हो अज्ञानी। और अंदर का सच ये है कि ठंड पड़ेगी, ठीक है ठंड तो लगेगी, और गर्मी पड़ेगी गर्मी लगेगी, स्तुति होगी जरूर याद आएगी, निंदा होगी जरूर ठेस पहुंचेगी। क्या ऐसा जीवन हो सकता है? इसी को तो आप क्या बोलते हैं, पत्थर हो गया। ज्ञानी पत्थर तो नहीं हो सकता, पत्थर हो गया फिर संवेदनशीलता कहां गई, उसकी जो सेंसिटिव थी वो कहां गई। एक तरफ हम उसको पत्थर भी मानना चाहते हैं, एक तरफ उसको सबसे ज्यादा संवेदनशील चित्त भी मानना चाहते हैं, ये दो कंट्रास्ट है। तो हाँ, अब देखो तीसरा रिजल्ट, पहले बोला था परिस्थिति आई आएगी, चित्तवृत्ति आई आएगी। किसकी चित्तवृत्ति? शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति सबकी आई। ये मत कहना कि चित्तवृत्ति नहीं आएगी, शत्रु की भी आएगी मित्र की भी आएगी ठंड की भी आएगी गर्मी की भी आएगी। लेकिन आखिरी स्टेप में कमाल है, अब जो वृत्ति की स्थिति है वह इसकी स्व की स्थिति नहीं है। पकड़ में आ रहा है? अभी ये थोड़ा वेदांत पहले जिन्होंने पढ़ा होगा वो इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर लेंगे। वृत्ति में आ जाने को मना नहीं कर सकते, लेकिन वृत्ति में आ गया और मैं वैसा ही करूं ये मैं कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे? मुझे गुस्सा दे गाली देने का मन हुआ, ठीक है, स्वाभाविक रूप से किसी ने बोला तो आपको क्या आ गई, गुस्सा आ गया और गाली देने का मन हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं दूं या ना दूं ये नियंत्रण की शक्ति हमारे पास है या नहीं है। गाली आने को मना नहीं कर सकते, देखो वो व्यक्ति के संस्कार पुराने हैं, वहां तो साधना भी नहीं चलती। काम में आपसे बताऊं, साधना तो ये है जो आप कर सकते हो, संस्कार ऐसा है जिसपे आपका वश नहीं है। तो वृत्ति तो संस्कार वशात आई गई, लेकिन मैं उन शब्दों को अपना बनाऊं या नहीं बनाऊं, इसीलिए मैंने बोला स्वस्थिति अहम स्थिति, मैं वह बनाऊं या न बनाऊं ये किसके हाथ में है। मित्र आ जाने पर शत्रु आ जाने पर अब मैं
क्या करूं ये किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। वृत्ति आए या ना आए ये आपके ऊपर निर्भर, क्योंकि जैसे पुराने संस्कार हैं संस्कारानुसार वृत्ति तो आएगी। मान लिया इसे बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, एक अज्ञानी है, देखो अज्ञानी के जीवन में भी कैसे होता है, उसको ऐसा खाना बहुत अच्छा लगता था जो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं रहता था, लेकिन उसको अच्छा लगता था। अब उसके डॉक्टर ने उसको मना किया, ऑपरेट किया, अब उसने बोला कि तुमको ये खाना नहीं खाना चाहिए। जब वह स्वस्थ हो गया तो क्या उसके मन में उस खाने की इच्छा नहीं उठती है? उठती है, लेकिन अब वो करता क्या है? वो खाना नहीं खाता। पहले अंतर क्या था? उठती थी खा लेता था, अब उठती है नहीं खाता। पकड़ में आ रहा है कहां अंतर हो गया? उसको भी स्तुति देखकर याद आया कि इस व्यक्ति ने मेरी स्तुति की थी, लेकिन अब व्यवहार में वो कैसा हो गया? शत्रु के आने पर भी, शत्रु वृत्ति का उदय होने पर भी शत्रुवत व्यवहार नहीं है। बड़े बड़े संतों को भी निंदा आलोचना, यहां तक कि विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा, इन सबको आलोचना तो, पर उन्होंने उसका जवाब ये हमारे ऊपर, मैं उसका जवाब कम से कम इंद्रियों के स्तर पर तो मत दूं। भाई जो चीज आप फेंकोगे वो चीज आपके पास लौट के, लोग बोलते हैं कहावत कि आपके ऊपर कोई कंकड़ पत्थर फेंके तो एक तो ये है कि उसी कंकड़ पत्थर से उसको आप मारो, और एक ये भी कि उस कंकड़ पत्थर को बटोर के अपना घर बना लो, ये भी तो एक है। तो आप तो कहेंगे फेंकना है तो फेंको, फेंकना है तो फेंको, उसके लिए मैं मना ही नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन पत्थरों का क्या करूंगा ये कंट्रोल मेरे पास है, मैं रखूंगा फेंकूंगा क्या करूंगा ये मेरे ऊपर। ऐसे जीवन मुक्त के साथ याद रखना, ज्ञान पश्चात भी परिस्थिति के स्तर पर उसके जीवन में भी परिस्थिति आती है। ज्ञान पश्चात पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसके चित्त में वृत्तियों का उदय संभव है, हो सकता है, लेकिन साधना के कारण, देखो जी ये आ गया आपका साधना का एरिया, साधना के कारण चित्त वृत्ति का जो विषय आया वह स्वयं का विषय नहीं बनने देता। दुख की परिस्थिति आ जाने पर वह दुखी नहीं होता है, अपमान की परिस्थिति आ जाने पर वह अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता, ये उसके ऊपर है। यह जीवन मुक्त। देखो अब इस दृष्टि से आप इनको देखो सबको, समह तो समह किस लेवल पर? परिस्थिति लेवल पर नहीं हो सकता, आएगा ही आएगा। मन के लेवल पर आएगा ही आएगा, लेकिन अंदर की स्वस्थिति के ऊपर मैं गाली देने वाले को अपना क्या मानूं, ये आपके ऊपर है। समह शत्रु च मित्रे च मान च अपमानम च शीत उष्ण सुख दुख हो गया, ये इसी को बोलते हैं अज्ञानी का जीवन द्वंद्व पूर्ण है। यही है द्वंद्व, जो आप पढ़ते ना अध्यात्म में, द्वंद्वों से परिपूर्ण। द्वंद्व मतलब क्या? उसका दूसरा पक्ष भी मौजूद है, इसी को बोलते हैं द्वंद्व। सर्दी गर्मी, सफलता असफलता, मान अपमान। अच्छा इसके और भी पक्ष हैं,
शीत है तो उष्ण जरूर होगी। यदि मान किसी ने किया तो अपमान भी कभी ना कभी, खराब भोजन किया आपने तो कभी ना कभी, दोनों के समय में मैं अपने आप की स्थिति देखो। वह जो स्थिति है वो चित्त की है, ब्रह्म की स्थिति थोड़ी ना है। अज्ञानी ने चित्त की स्थिति को अहम स्थिति मान लिया। अंतर देखना माइन्यूट है। अज्ञानी ने चित्त की स्थिति को अहम की स्थिति मान लिया, ज्ञानी ने चित्त की स्थिति को अहम की स्थिति नहीं माना। यदि किसी आपके किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने कुछ कह भी दिया आपको तो व्यक्ति अपने अहम पर नहीं लेता। क्यों नहीं लिया? उसकी बात को तो अहम पर ले लिया आपने। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं किस बात को अहम पर लूं और किस बात को अहम पर न लूं। ये सामर्थ्य तो बरकरार है, और ये जो सामर्थ्य का एरिया है यही सत्संग का एरिया है, यही ज्ञान का एरिया है और कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का सिर्फ इतना एरिया है आखिरी वाला, वो आपको ये बताता है मान और अपमान का लेना देना हाँ बुद्धि से, ठीक है। सुख और दुख का लेना देना मन से है, शीत और उष्ण का लेना देना शरीर से। नहीं आएगा, क्यों नहीं पहनेगा? नहीं, शरीर पर भी जो ज्ञान मार्ग का साधक होगा वो कभी इन चीजों से परहेज नहीं करेगा। शंकराचार्य जी अपने तन के ऊपर वस्त्र डाल के चलते थे या नहीं? मृगछाला और ये सब लेकर चलते थे या नहीं? जितना वो सह सकता है उतना क्या करेगा, सहेगा। लेकिन शरीर को तपाने का अर्थ ब्रह्म की प्राप्ति है ये नहीं कह सकते। वो तो अगर शरीर को तपाना ब्रह्म की प्राप्ति है तो जो क्या कहा जाए, जो भिकमंगता है उसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसका शरीर, तो आप क्या कहोगे वो क्या हो गया? ये तो अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, यही तो मार्ग में अंतर हो गया। ज्ञान मार्ग तो कभी ये नहीं कहता, और उसने तो कमेंट कर दिया। क्या है यह श्लोक भजगोविंदम का? अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, ये तो शुद्ध हिंदी समझ में आ रही है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश, तदपि न मुंचति आशा पाश। ये एक तपस्वी महाराज बैठा दिए, ये क्या कर रहे हैं? गर्मी में अग्रे वन्नी आग जला ली, आग जलाइए। कहां पे? अग्रे पीछे नहीं है, अग्रे। जेठ की भरी दोपहरिया में कपड़े उतार कर आगे आग जला ली, यही नहीं? अभी संतोष नहीं हुआ? अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, पीछे क्या चमक रहा है? सूर्य। बोले बड़ा तपस्वी है। यही नहीं, इसका दूसरा पक्ष देखिए, ठंड आ गई तो अब ठंड में आग नहीं जलाएगा। रात्रौ चुबुक समर्पित जानु, ठंड में उसने कपड़े उतार दिए, अब उसको क्या लग रही? ठंड।
और ठंड में क्या करता है, ये ठुड्डियां बचती है ना, तो उसने ठुड्डियों को अपने घुटनों पे क्या करके रखा है, रखा है। जीवन कैसा है, कर तल भिक्षा, खाता कितना है, करतल रहता कहा है, तरुतल वास। लेकिन भाष्यकार क्या कहते हैं शंकराचार्य, देखो साधुओं के लिए खुद उन्होंने बोल दिया, ये किसी गृहस्थ ने नहीं बोला है, ये शंकराचार्य जी ने ही बोल दिया। अगर ऐसा कोई साधु है, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुपक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासा, इसके बाद भी तदपि न मुंचति आशा पाश, इतना होने के बाद भी जीवन से आशा नाम की चीज, एक्सपेक्टेशन नाम की चीज गई नहीं। अब क्या एक्सपेक्टेशन है, लोग मुझे क्या करें, जाने आप लोग। आम गृहस्थों के बीच में क्या कहना है, साधु के लिए वित्तेषणा खत्म हो सकती है, साधक समाज के लिए पुत्रिष्णा खत्म हो सकती है ज्ञान के कारण, लेकिन लोकेष्णा नहीं खत्म होती। लोकेष्णा मतलब ये यश, वो कहता आप सब ले लो लेकिन मेरा नाम लो, देखो जी ये होती लोकेष्णा। ये आखिरी स्तर पर जाके मिलती व्यक्ति को, वो अपने यश को नहीं छोड़ पाता, इसी को बोलते लोकेष्णा। ये भी व्यक्ति को छोड़नी पड़ेगी, चाहे लो, और हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही हुए, आपसे बताओ हम और आप जरा सा एक चार पन्ने लिख दें तो अपना नाम उसके नीचे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सोचो आप, चार पन्ने अगर लिख दें तो उसके पीछे नाम लिखते हैं, ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ये सब ऋषियों ने किया। एक ऋषि का नाम आया, एक ऋषि का नाम नहीं आया, क्योंकि उनको उससे प्रेम नहीं था, क्या करने को अपना नाम लिखना, चाहते तो लिख सकते थे, जिस मंत्र जिस ऋषि ने खोजा उसके नाम पर वो उपनिषद हो गए, बोले नहीं मेरे नाम पर उपनिषद नहीं होना चाहिए, शाखा के नाम पर होवे, मंत्रों के नाम पर होवे, तत्व के आधार पर, ऋषि के आधार पर नहीं होवे। कितना बड़ा बलिदान है, साधक समाज को लोकेष्णा से भी दूर रहे। अब ये चीज इतनी आसानी से हम लोग तो जी रहे हैं इसमें, हम तो देख रहे हैं, फोटो आ जाए तो भी ठीक, ना आए देखो, अभी एक पत्रकार था जिसने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, लेकिन उसने क्या किया कि चार दिन कोई न्यूज ही नहीं थी और सब पेपर में आ रही है, तो उसका कल फोन आया, फोन ये था, पता नहीं आज आया होगा कि पत्रिका में, कि नरेंद्र मोदी की सफाई अभियान पर आपकी क्या टिप्पणी है। मैंने कहा आप क्या जानना चाहते हैं, बोले ये कितने दिन की सफाई है, तो ये तो ढोंग हो रहा है, आपका क्या है, मेरा कहना था आप निगेटिव क्यों ले रहे हो, मान लो 365 दिन गंदा था, एक दिन साफ हुआ तो 364 गंदा हुआ, एक ही दिन साफ, एक दिन तो हुआ ना, आप उसके एक दिन की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हो, दिस इज फर्स्ट। और भी तो लोग पद पे रहे तो उनके मन में यह विचार क्यों नहीं आया, और विचार आना ही यह बताता है कि उसके दिमाग में कुछ चीजें तो चल रही होंगी, और यदि आडंबर होगा तो कुछ दिन में बंद हो जाएगा जैसे और चीजें बंद, उसमें इतना निगेटिव होने की क्या आवश्यकता भाई, अच्छे काम की तारीफ की जाए, वरना जो कभी व्यक्ति काम अच्छा करेगा भी तो उसको जब आप उत्साह ही नहीं दोगे तो फिर उसके मन में अच्छी चीजें कहाँ से आएगी। और हमारा अध्यात्म कहता है पवित्र वातावरण में ही अच्छे विचारों का उदय, तो वातावरण अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी, टूरिज्म अच्छा चलेगा, अर्थव्यवस्था संभलेगी, धर्म अच्छे से जिएंगे लोग। महात्मा गांधी ने भी बोला ईश्वर के बाद जो दूसरी कोई चीज है वो स्वच्छता है, जिसमें इतना आए तो बाबा ना जाने क्या जरूरत। अब अपने काम के लिए तो उसने फोन कर लिया मेरे को, और जब मेरी न्यूज थी तो
क्या मेरे चित्त में नहीं आया? जब वो फंसा होगा फिर उसको इंटरव्यू लेना होगा, रात 9 बजे पेपर कर रहा होगा कुछ, तो उसने अपने काम के लिए मुझे 9 बजे फोन कर लिया। अभी आप न्यूज 7 बजे भी दो पेपर में तो नहीं लगती, ठीक है 9 बजे ये छप सकते। तो मैं मन में आया कि मैं इसे ये कहूँ कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया था, बट क्यों कहूँ? मुझे पता है फिर उसके मन में क्या आएगा, आपको अपना फोटो छपाने का बड़ा शौक है स्वामी जी, आप लो जी। अब मैं मुझे अपनी फोटोज क्या मिलेगा, लोग आ जाते हैं यही उसका फायदा है। ये लोकेशना ना आवे बीच में, इसको दूसरा कोई नहीं रोक सकता, मैं आपसे बताऊं स्वयं ही व्यक्ति रोक सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्वयं जाने कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी फोटो देखकर मुझको कितनी प्रसन्नता हुई ये आप जानो, और नहीं आने पर क्या चित्त में स्थिति हो गई ये भी आप जानो। अच्छा आपके लिए, काम करने के बाद आपको कोई ना पूछे तो आपका मुंह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये आपको देखना है। ये लोकेशना है, ये लोकेशना का ही दूसरा रूप है कि कार्य करने के बाद मुझे किसी ने पूछा ही नहीं आप क्या चाहते हो, लोग पूछें ये क्या है, लोकेशना। इससे भी दूर रहना। वह जो आप प्रश्न कर रहे हो शरीर के स्तर पर, और ऐसा संभव ही नहीं है कि भैया आप गाली दो तो किसी को बुरा ना लगे, सर्दी होगी तो मैं अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता हूं, लेकिन एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद। तो आप देखना, एक साधु बाबा था, मैं मिला गोमुख के ऊपर तपोवन, गंगोत्री, गंगोत्री के ऊपर गोमुख, गोमुख के ऊपर तपोवन, तपोवन में उसको भी हेलीकॉप्टर वहां आया था अचानक, ऐसे उड़ता ही नहीं उधर बहुत, उसको जबरदस्ती उठा रहा था रस्सी से, वह सब मचा था, वो नाटक कर रहा था। क्या हुआ वो बाद में मिला, वो उत्तरकाशी में लोग, वो तो वो काला पड़ गया था, और सरकार का कहना था ऐसे मृत्यु हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, आरोप किसके ऊपर आ जाएगा कि क्यों नहीं खाली कराया आपने सब कुछ। तो वो उसको पकड़ के उसमें बैठा ले थे। देखो अगर यही अध्यात्म है कि हम ठंडे, हम वस्त्र उतार के रह के दिखा दें, मैं बाल बड़ा करके दिखा दूं या मैं बाल गंजा करके दिखा, यही अध्यात्म है तो भैया ये तो चौराहे का अध्यात्म है, ये तो बहुत सभी लोग कर लेंगे, आदिवासी भी कर रहा होगा, यहाँ रोड पे भी सब लोग कर लेंगे। प्रमुख बात है वह सब होने पर भी मन पर क्या हुआ ये बताओ। अभी ये शब्द आएगा तो अभी आपको बोलता हूं। अच्छा तो ये तो स्थिति हो गई भाई, क्लियर कि नहीं? तो परिस्थिति के स्तर पर आएगा, वृत्ति के स्तर पर आएगा, लेकिन अहम के स्तर पर उसको कुछ लगेगा ही नहीं। ठीक है, हुआ था अब नहीं रिएक्ट करेगा, हो गया शीत उष्ण सुख दुख तुल्य निंदा, देखो आ रहा है ना, तुल्य निंदा स्तुति दोनों होंगे, इसी को बोलते द्वंद्व, एक नहीं होगा, अगर एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा, ये याद रखना। ये तो कुछ भी नहीं होगा, होगा तो फिर दोनों होगा। अच्छा मौनी, मौनी मौनी मतलब, मैं कभी आपसे बोला होगा यदि मुख से मौन रहना है तो भगवान ने मुख दिया ही क्यों, बोलना अगर पाप है तो फिर दांत और जीभ क्यों दिए भगवान ने, पकड़ में? न बोलना मौन नहीं है। नवरात्र में आप 9 दिन मौन रहे, दैट्स अ वेरी गुड, लेकिन जैसे आपने उपवास खोला उसके बाद क्या किया, वो आग लगाई आपने कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, ये ना लायक वो ना लायक, गया आपका मौन, पकड़ में? अगर चुप रहना ही था तो भगवान ने मुख क्यों दिया,
जन्मजात मौन कर देता है। भगवान ने कहा नहीं, वो भाष्यकार क्या बोलते हैं, उसको अंडरलाइन कराया होगा मैंने, पढ़ते हैं मिला, मौनी संयत वाक, ये है मौन, ये ज्ञान, ये ज्ञान मार्ग का मौन है। देखो अब हठ मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हठ में तो मुझे भी मैंने पढ़ा ही नहीं क्या है क्या वो जाने। संयत वाक, परिमित आचार और व्यवहार, परिमित मतलब कंट्रोल, मैं ऐसी वाणी बोलूं दूसरे को मधुर लगे, प्रिय लगे, हितकारी लगे, वरना चुप हो जाओ, मैं वाणी से लोगों को उद्वेलित ना कर दूं। यदि दिन भर का व्यवहार आपका ऐसा शांत प्रिय रहता है तो आप दिन भर क्या रहे, मौन रहे, वरना गूंगा सबसे बड़ा मौनी है, उसको तो आप मौनी कह सकते हो, तो उसको तो मौनी तो नहीं कहा गया। जिसके अंदर बोलने की सामर्थ्य हो और वो ना बोले, सामर्थ्य हो ना बोले, और कैसे बोले, संयत वा, मौनी का अर्थ है जो अपनी वाणी पर कंट्रोल करता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ऐसे वाक्य में वो बोलते हैं घाव करे गंभीर, और एक और था शब्द शब्द में फर्क है, ऐसा भी एक दुआ है, शब्द के हाथ न पाओ, याद आ रहा है किसी को, शब्द शब्द में फर्क है, शब्द के हाथ न पाओ, ऐसा एक दुआ है। हाँ, एक शब्द औषध करे, ये तो जोड़ दिया आपने, ये बहरहाल ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और उनको, मैं ऐसा मैं अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर है मैं उनको ऐसा मानता हूं कि उनकी वाणी क्या होगी, कहीं ना कहीं तेज होगी, देखना। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी बोल नहीं सकता, मैं भी कर लोगों से पूछ के ऐसे दिमाग में चलता रहता है। लो ब्लड प्रेशर, अभी सत्कर्म और अच्छे होने चाहिए, साधना में बहुत कमी है, वो तो व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर का मरीज होगा। ये हाई वाला, ये एग्रेसिव माइंडेड व्यक्ति है, हर चीज में एक्सट्रीम पर जाएगा, वाणी इसकी नहीं अच्छी है, इसकी निशानी ये, क्योंकि वाणी का प्रभाव आपसे बताऊं मन पे बहुत पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ो और जब हाइट पर आप बोलने लगो तो आपका मन भी क्या होने लगा, जब आप वॉक करते हो और स्तुति गाते हो, देखो तो अगर मैं ना बोलूं तो मन की गति ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही व्यवहार करते हैं ऐसे मन क्या होने लगता है, उसकी गति बढ़ गई, तो किस पे, किसके कारण प्रभाव पड़ा, वाणी के कारण। और कहीं भगवान का नाम के अलावा कुछ और वाणी हो गए तो ओहो सोचो। इसलिए शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से किया जावे, वही मौन है। ये व्यक्ति कैसा है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेतः अब्लुवे। अनिकेतः बोले गरीब मत बनाओ, ये पागलपन है। हमें स्वामी जी ने बोला शंकराचार्य जी की भी जब फोटो दिखे, ये तो मैंने उसको ठीक कर रखा है, उसके पीछे भी एक झोपड़ी दिखाई जाती है, शंकराचार्य जी के फोटो के पीछे भी एक झोपड़ी रहती है, वहां कुत्ता बिल्ली टहलते रहते, देखो होगा। ये किसने कह दिया कि आप किसी घर में मत रहो, बोले हम रहेंगे ही नहीं, अब ऐसे ही घूमेंगे, ये भी भगवान ने नहीं कहा है। जिनको हम लोग तो तपस्वी मानते हैं, सबसे परम गुरु हम लोगों के स्वामी तपोवन जी, जो बर्फ पे ही रहे, उत्तर काशी में कुटिया, गंगोत्री में कुटिया, गोमुख में भी बना लिया, कुटिया नहीं थी क्या, ये किसने कह दिया कि घर में कहीं रहो ही नहीं यार,
तो आप चंचल रहोगे और ये हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो व्यक्ति क्या करता है, हम नहीं होगा तो आप किसी के आश्रम में जाओगे, किसी गृहस्थ के घर पे, कहीं ना कहीं तो रहोगे आप। इसलिए इसका लिटरल मीनिंग यदि कोई लेता है तो जीवन नहीं जी सकता। आज दिन कौन सा है? हाँ, शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो फिर खत्म ही हो जाने दो। तो दो अर्थ देखो आप, एक तो ये है जिसने ब्रह्म को देख लिया उसके लिए सभी दूर उसका क्या है, निवास है, और सब दूर वो नहीं रहता। एक स्थिति ये, कहाँ नहीं है वो, आकाश कहाँ नहीं है, तो इसका मतलब आकाश का निवास सब दूर है। और एक तरीके से आकाश अपने आप में सबसे क्या है, अलग है। यदि ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो हर निकेत उसी का ही है और उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन साधक की दृष्टि से जहां वो रहे वहां ममत्व बुद्धि मत पाल ले। देखो ये साधक के स्तर पर, जहां वो रहे वहां कहीं ममत्व बुद्धि ना पाल ले, तो फिर रुकावट आ जाएगी साधना में। इसको बोलते हैं अनिकेता। तो अच्छे से अच्छा तपस्वी भी कहीं एक झोपड़ी बना के रहता है, हो गया कि नहीं, यह है अनिकेता। स्थिर मति ही, स्थिर मति ही, मति कैसी है, ये होना चाहिए, चंचल ना होवे। अर्जुन ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब मैंने जुड़ा। और आखिरी श्लोक तो बहुत ही सुंदर है, देखो क्या बोलते हैं। पहले किसकी किसकी बात की थी, सगुण साकार भक्त, याद कर लो पहला प्र। दूसरा भक्त था निर्गुण निराकार, बोले सगुण साकार को भी छोड़ दो, निर्गुण निराकार को भी छोड़ दो। ते, आखिरी पंक्ति देखिए, ते अतीव में प्रियाह, ये मुझे बहुत पसंद है। अतीव शब्द लगा दिया, देखो ते अतीव में प्रिय, ये तो मुझे बहुत पसंद है। बोले कौन, सगुण साकार, बोले नहीं। निर्गुण निराकार, बोले नहीं। अभी तीसरा कौन आ गया, देखो क्या बोलते हैं। श्रद्धाना हा मत परमा हा, ये जो श्रद्धा वाला व्यक्ति है, बोले वो तो पहले वाले भी तो थे श्रद्धा वाले। बोले देखो इसमें क्या अंतर है, ये तो धर्म्य अमृतम इदम यथोक्तम परिउपासते, जो मैंने यह वचन बोले हैं ना अभी अभी, कहां से, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, मिल रहा है ये श्लोक नंबर कहां से आया, 13वां। ये जो मैंने श्लोक बोला है ये किसी की उपासना नहीं करता, ये इसी लक्षणों की उपासना करता है, इन्हीं को जीता है बस। इसको सगुण साकार से नहीं मतलब, इसको निर्गुण निराकार से नहीं मतलब। ये तू धर्म्य अमृतम इदम यथा उक्तम, देखो भगवान बोलते हैं अभी अभी मैंने पहले बोला है, लास्ट के जो श्लोक बोले हैं परि उपासते, ये इसकी उपास, देखो उपासना माम उपासते नहीं कहा है, माम उपासते नहीं कहा है, सगुण साकार उपासते नहीं कहा है, निर्गुण निराकार उपासते नहीं कहा है, क्या बोला है, यथोक्तम परिउपासते, जो मैंने कहा उसकी उपासना करता है। उपासना करता है मतलब उसको जीवन में लाने की कोशिश कर रहा है। ये अमृत रूपी वचन मिल रहा है आपको, इदम धर्म्यामृतम, भाष्य भी देखते जाइए नीचे से तीसरी पंक्ति देखिए, इदम धर्म्यामृतम, मिल गया, अंडरलाइन कर सकते हैं, ममुक्षुणाम यत्नतः, देखो जी
मुमुक्षुणाम यत्नता अनुष्ठेयम विष्णोः प्रियम परम। जो मुमुक्षुओं के लिए करना है, न सगुण साकार के चक्कर में, न निर्गुण निराकार, मैंने जो वचन कहे, ये जो साधक है, देखो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ध्यान रखना, सिद्ध नहीं है, सिद्ध तो भगवान की बात ही है, लेकिन बोल दी ज्ञानी प्रिय, इन दोनों में भी मुझे जो मेरी यथोक्तम परिउपासते, माम उपासते नहीं, मैंने जो कहा, एक होता है व्यक्ति से प्रेम, एक हो गया जो व्यक्ति के वचन है उससे प्रेम। मैंने जो कहा ये इसकी क्या करता है, उपासना करता है। अर्जुन, ऐसे भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, अतीव में प्रिया, कैसे हैं, श्रद्धाधाना और मत परमा, मुझे ही क्या मानते हैं, अल्टीमेट हो गया। इस तरीके से इति श्री महाभारते सतसाहस्याम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्व में है, श्रीमद् भगवत गीताशु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन, क्या पढ़ रहे थे, भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय, ये 12वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो फिर से अपने पूज्य गुरु जी, स्वामी जी, गुरुदेव, जितने गुरु परंपरा है उनको नमन करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उनके आशीर्वाद से 12वां अध्याय भी क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। और फिर से वह शक्ति दें जिससे 13वां अध्याय की ओर दोबारा जा सके। तो अब ये देखेंगे हम लोग मंडे से, मंडे को कौन सी तारीख है, 6 तारीख, और आपके यहाँ प्रवचन कवि सेवनी क्या 6 को है, 8 को है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।